नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर स्टार एकेडमी में और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरह एमएस एक्सेल में स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप परचेस सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट गुड्स या आपका किसी तरह का शॉप है, स्टोर है, या आप स्टॉक को स्टोर करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ज़रूरत होता है कि हम स्टॉक को मेंटेन करें और स्टॉक का रिकॉर्ड्स अपने पास रखें। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ सिखाऊंगा कि आप किस तरह एमएस एक्सेल में एक ऑटोमेटिकली अपडेटेड स्टॉक मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ तीन ब्लॉक क्रिएट किया है जिसमें मैंने लिया है परचेज, सेल और नेट स्टॉक। चलिए हम एक एक करके सभी को समझते हैं। परचेज में मैंने लिया है सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस पर क्वांटिटी, अमाउंट। मैंने सेम लिया है सेल में। अगर आप और भी कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो न्यू आप एक न्यू कॉलम इंसर्ट करके आप उस पर वो ऐड इंसर्ट कर सकते हैं, वो डिटेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं आप। देन मैंने सेम लिया है सेल में भी। अब आते हैं हम नेट स्टॉक में। नेट स्टॉक में देखिए मैंने लिया है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट। यहाँ मैंने उन सभी प्रोडक्ट के नाम को लिखा है जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, यानी कि जिसका हम परचेज और सेल करते हैं। उसके बाद मैंने लिया है क्वांटिटी, प्रॉफिट और लॉस, अमाउंट, बॉर्डर क्वांटिटी और लास्ट में मैंने लिया अलर्ट। अब ये अलर्ट का क्या मतलब है, इन सभी का मतलब मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ सिखाऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। ओके चलिए, तो मैं आपको यहाँ एंट्री करके बताता हूँ, मेंटेन करके बताता हूँ कि मैं इस फॉर्मेट में हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं और ये फुली ऑटोमेटिक है या नहीं। ओके चलिए, मान लीजिए मैंने इस डेट में कीबोर्ड परचेस किया है। ओके देखिए, मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, कीबोर्ड हमें बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने 300 यूनिट्स कीबोर्ड परचेस किया है जिसका प्राइस है 350 रुपीज पर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ 105,000 रुपये सोल कि हमने टोटल कीबोर्ड कितना का परचेस किया है, 105,000 रुपये का 12 तारीख को। अब मान लीजिए मैंने सेम डेट पे कुछ और भी परचेस कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने माइक परचेस किया। ओके माइक परचेस करते हैं 100 यूनिट रुपीज 800। तो आप देखिए 80,000 आपको शो हो रहा है कि आपने माइक जो परचेस किया 12 तारीख को वो 80,000 का। ये हमने दो प्रोडक्ट अभी परचेस किया। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरह काम करता है, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट आप इसे किस तरह बनाएंगे मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। चलिए अब मान लीजिए मैंने सेम डेट में माइक सेल कर दिया। ओके देखिए मैंने कीबोर्ड और माइक परचेस किया, बट हम सेल कर रहे हैं सिर्फ माइक। ये जरूरी नहीं है कि जो हम परचेस करते हैं उसको फर्स्ट में ही सेल करते हैं। हमने कीबोर्ड और माइक परचेस किया बट हम सेल कर रहे हैं माइक। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ माइक। मैं माइक का कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, मान लीजिए 50 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, रुपीज 1000 रुपीस करके। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ 50,000 शो हो रहा है कि आपने 12 तारीख को माइक सेल किया है 50 यूनिट 1000 रुपए करके। तो आपका 50,000 हो रहा है कि आपने टोटल 50,000 का माइक सेल किया है। ओके चलिए अब यहाँ आते हैं। यहाँ में देखिए सीरियल नंबर शो हो रहा है, उसके बाद हमें शो रहा है प्रोडक्ट और यहाँ हमें क्वांटिटी शो हो रही है। प्रोडक्ट मैंने बता दिया, मैंने इन सभी प्रोडक्ट के नाम को लिखा है जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, यानी कि परचेज या सेल करते हैं। अब देखिए क्वांटिटी में हमें यहाँ देखिए कीबोर्ड में शो हो रहा है 300। ये 300 क्या है, देखिए हमने परचेस कितना किया था, 300 यूनिट्स हमें परचेस किया था। और हमने क्या अभी तक कीबोर्ड सेल किया, देखिए यहाँ सिर्फ माइक है, कीबोर्ड हमने सेल नहीं किया। तो हमारे पास कीबोर्ड अभी कितनी क्वांटिटी बचा हुआ है, हमारे स्टॉक में कितना यूनिट कीबोर्ड अभी है, 300 ही है, क्योंकि 300 परचेस किया था और एक भी सेल नहीं हुआ है, तो 300 ही हमारे पास, इसलिए हमें 300 शो हो रहा है। उसके बाद देखिए माइक, माइक हमने 100 यूनिट परचेस किया था और हमने किसमें सेल कर दिया 50 यूनिट। तो हमारे पास देखिए कितना बचा, 50 यूनिट बचा। मान लीजिए मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं 30 यूनिट सेल करता हूँ। तो देखिए आपको दिखा रहा है कि आपके पास 100 में से अगर आप 30 यूनिट सेल कर देते हो तो आपके पास बच रहा है जो आपका रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग माइक है 70 यूनिट। ओके तो ये हमने समझ लिया कि नेट स्टॉक का ये कॉलम में हमें ये शो होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट का रिमेनिंग यूनिट क्या है वो हमें शो होता है। अब हम आते हैं प्रॉफिट और लॉस में। देखिए प्रॉफिट और लॉस में हमें कीबोर्ड में शो हो रहा है माइनस में, यानी कि नेगेटिव में 105,000 रुपए। अब ये माइनस में क्यों शो हो रहा है, लॉस में क्यों शो हो रहा है, देखिए हमने परचेस किया था कीबोर्ड 105,000 रुपए का
और हमने अभी तक कोई भी सेल नहीं किया, यानी कि हमें कीबोर्ड का कोई भी इनकम नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। हमने जो परचेज किया वो हमारे पास स्टॉक में ही है, हमने सेल अभी तक किया नहीं, तो वो एक तरह का हमारा लॉस है। ध्यान से समझेंगे, वो एक तरह का लॉस है। जब तक हम सेल नहीं करेंगे तो हमें इनकम कहाँ से जनरेट होगा? तो हमारा 300 यूनिट में 300 यूनिट रखा हुआ है और हमने अब तक एक भी यूनिट सेल नहीं किया है, तो 1,05,000 रुपए का माल हमारे पास अभी भी रखा हुआ है, इसलिए वो हमें लॉस में दिखा रहा है। जब हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट में दिखाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं माइक में आपको 50,000 माइनस में दिखा रहा है, यानी कि लॉस में। देखिए, हमने माइक कितना में खरीदा था? 80,000 में, जिसमें हमने अभी तक सेल किया 30,000 का, तो 50,000 का तो अभी भी हमें सेल करना बाकी है, इसीलिए 50,000 का हमें लॉस में दिखा रहा है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अमाउंट में हमें दिखा रहा है 1,05,000 रुपये। अभी 1,05,000 रुपये का क्या मतलब? आपका यहाँ दिखा रहा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट का जितनी क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 300 क्वांटिटी कीबोर्ड बचा हुआ है और उसका कॉस्ट कितना था? 350 करके था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बता सकते हैं हम कि इतने का कीबोर्ड हमारे पास वैल्यू है। ओके, इतना कॉस्ट का कीबोर्ड हमारे पास अभी स्टॉक में है। उसके बाद देखिए, आप माइक का भी हमें शो रहा है कि 56,000 का स्टॉक का माइक हमारे पास अभी है, क्योंकि देखिए 100 में से अगर 30 सेल हो चुका है तो 70 बचा है। अगर 70 यूनिट अगर 100 रुपीस करके, यानी कि 800 रुपीस करके होता है तो 56,000 ही होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इजिकल टू 70 × 800, तो देखिए 56,000 रुपये में शो रहा है कि हमारे पास 56,000 रुपये का माइक का स्टॉक बचा हुआ है। अब आते हैं हम बॉर्डर क्वांटिटी में। बॉर्डर क्वांटिटी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। बॉर्डर क्वांटिटी यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10 से कम होता है तो हमें यहाँ अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपको अब ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और अगर आपके पास 10 से ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है, यूनिट अवेलेबल है, तो हमारे पास आएगा कि स्टॉक अवेलेबल है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ 300 है, यानी कि 10 से ज़्यादा है, इसीलिए हमें दिखा रहा है कि स्टॉक अवेलेबल। यहाँ 10 से ज़्यादा है, 70 है, इसलिए हमें दिखा रहा है कि स्टॉक अवेलेबल। अगर मैं माइक का, मान लीजिए माइक हम लोग ने 100 खरीदा था, मान लीजिए मैं माइक सेल कर देता हूँ 95, तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 क्वांटिटी बचा हुआ है, रिमेनिंग क्वांटिटी 10 से कम है, इसीलिए हमें प्लेस ऑर्डर दिखाया नजर आ रहा है। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ 60 कर देता हूँ, तो आप देखिए 40 क्वांटिटी हमारे पास बचा हुआ है, 10 से ज्यादा है, इसीलिए स्टॉक अवेलेबल हमें दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने कंप्लीट आपको बताया कि हम किस तरह एमएस एक्सेल में एक ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना सीखते हैं कि मैंने इसे किस तरह बनाया और आप भी इसे किस तरह बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ फॉर्मेट तैयार करके रखा है, ये फॉर्मेट आप भी तैयार कर सकते हैं इजी तरीके से। आप चाहें तो सेम टू सेम क्रिएट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके क्रिएट कर ले, या आप नॉर्मल फॉर्मेट भी ले सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ इस ये स्टाइल को चूज किया। ओके, ये नॉर्मल ही है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें परचेज वाले प्रोडक्ट कॉलम में और सेल के प्रोडक्ट कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना, ताकि हमें बार बार प्रोडक्ट को लिखना ना पड़े। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, जब हमें दो जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना होता है, हम सेलेक्ट करते हैं, देन जाते हैं डेटा में, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ भी क्रिएट करेंगे, दो जगह में क्रिएट करना। बट हम क्या करेंगे, अभी दो जगह क्रिएट करना, इसलिए हम दोनों को कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को। देन हम जाएंगे डेटा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लेंगे लिस्ट, सोर्स में आएंगे, उन सभी प्रोडक्ट के नेम को लेंगे जिसका हमें ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट करना है। ओके, तो आप देखिए कि सभी जगह हमारा ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, चलिए अब मान लेते हैं कि हम आज की डेट में, डेस्क परचेस करते हैं। कितनी क्वांटिटी? 20 क्वांटिटी। ओके, प्राइस 7,000 रुपीज। तो आप देखिए अमाउंट में ऑटोमेटिक हमें नहीं बता रहा है कि आपने 12 तारीख को डेस्क का कितना अमाउंट का परचेस किया, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा, इजिकल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपको 14,000 सो रहा है। फॉर्मेट सेल में जाके हम क्या करते हैं, इसको करेंसी में ले लेते हैं। ओके, चलिए, तो हमें देखिए शो रहा है 1,40,000 रुपए का आपने डेस्क परचेस किया है। हम क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर देंगे। अब ड्रैग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
अगर हम ड्रैग नहीं करेंगे तो फिर से अगर हम एंट्री करेंगे तो फिर से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ड्रैग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, मान लीजिए फिर से हमने सेम डेट में क्या करते हैं, हम हेडफोन परचेस कर लेते हैं 50 यूनिट्स 500 रुपीज करके। तो देखिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक हमें एक्सेस हो रहा है कि 25,000 का आपने हेडफोन परचेस किया। चलिए हम आते हैं अब सेल पे। सेल पे मान लीजिए कि हमने सेम डेट पे अगर हम कोई और डेट देते हैं, मान लीजिए 13 तारीख को हमने डेस्क सेल कर दिया 10 क्वांटिटी कितने रुपए करके, 7,500 रुपए करके। तो देखिए हमें फिर से यहां नहीं शो हुआ ऑटोमेटिक, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, देन ओके, उस करेंसी सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं फॉर्मेट सेल में जाके इसे करेंसी में ले लेते हैं। ओके, हम इसे कर देते हैं ड्रैग, तो हमें बार बार फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके चलिए हम क्या करते हैं, आप मान लीजिए हमने फिर से सेम डेट में हेडफोन को सेल कर दिया 30 यूनिट्स कितने रुपए करके, 550 करके। तो देखिए 16,500 रुपए का हमने हेडफोन सेल किया, हमें शो हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेट स्टॉक में। इस तरह आप जितना भी परचेस करेंगे यहाँ आप लेते जाएं, एंट्री करते जाएं, और जितना सेल करेंगे जिस डेट में आप वो भी लिखते जाएं। ओके चलिए हम आते हैं अब नेट स्टॉक में। अब नेट स्टॉक में हम चाहते हैं कि जो रिमेनिंग स्टॉक है वो हमें शो हो। ओके, रिमेनिंग स्टॉक हमें शो हो, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो है सम इफ। देखिए अगर हम क्या करते हैं, इजिकल टू ये सेल। ओके, कीबोर्ड का हमें निकालना है, तो कीबोर्ड का तो यहां है नहीं, हमें निकालना है किसका, डेस्क का। तो मान लीजिए हम यहां जाते हैं, इजिकल टू कितना परचेस किया हमने, 20 माइनस सेल, तो 10 क्वांटिटी दिख रहा है। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं ना, तो आप देख सकते हैं कि आपको फिर ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऊपर से गलत भी हो सकता है। ओके, ये गलत भी हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए मैं यहां आकर, मान लीजिए सेम डेट में मैं यहां आकर ले लेता हूं डेस्क। ओके, मैं डेस्क ही लेता हूं, 30 क्वांटिटी लेता हूं 7,000 करके। ओके, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी हो चुकी है डेस्कटॉप पर, मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी, 20, 30, 2 क्या होता है 50 में से सेल हमने कितना किया 10, तो हमारे पास तो डेस्क में यहां कितना शो होना चाहिए, 40 शो होना चाहिए, क्योंकि देखिए 20, 30, 50 में से हमने 10 सेल कर दिया, तो हमें यहां शो होना चाहिए 40 की रिमेनिंग, आपका डेस्क का जो क्वांटिटी है वो 40 यूनिट बचा हुआ है, बट हमें यहां 10 शो हो रहा है। अगर मैं F2 से एडिट करता हूं तो आप देख सकते हैं वो वहीं का वहीं है। तो इस तरह अगर हम इजिकल लगाकर करते हैं, मैनुअली अगर हम माइनस करके करते हैं, तो हमारा ये गलती रिजल्ट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे जो हमारा राइट रिजल्ट दे। चलिए मैं आपको बताता हूं, हम डिलीट कर देते हैं पहले, हम यहां एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो है सम इफ। सम इफ क्या करता है, सम इफ हमें किसी एक क्राइटेरिया या कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सम करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप सम इफ फॉर्मूले का यूज करना नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, मैं आपको 5 डिफरेंट तरीके से सिखाया हूं सम इफ फॉर्मूले का यूज करना, आप उस पर क्लिक करके सीख सकते हैं। तो चलिए हम सम इफ फॉर्मूला का लगाते हैं यहाँ, फिजिकल टू सम इफ, हमसे पूछ रहा रेंज, हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परचेस वाला, यानी कि जितना भी परचेस का, जैसे डेस्क का, डेस्क जितना भी हमने परचेस किया उसी क्वांटिटी को आप ऐड कर दो, डेस्क का ही क्वांटिटी को आप ऐड करिए जो परचेस वाली क्वांटिटी है, उसके बाद आप सेल जितना भी डेस्क का सेल क्वांटिटी है उसको माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो हमें रिमेनिंग स्टॉक दिखाइए। तो देखिए रेंज में हम लेंगे ये रेंज को F4 से फिक्स कर देंगे ताकि ड्रैग ना हो, कॉमा। ओके, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका क्या है। तो देखिए हम कीबोर्ड यहां लिखा गया था, तो हम कीबोर्ड को ले लेते हैं। अब कीबोर्ड को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट में, कीबोर्ड में भले अभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक कीबोर्ड का एंट्री नहीं किया है, तो वो आंसर हमारे पास नहीं आएगा, बट जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास डेस्क में और हेडफोन में आंसर आ जाएगा। ओके चलिए तो हम ले लेते हैं कीबोर्ड, तो कीबोर्ड कितने नंबर पे था, हमारा सेल नंबर क्या है, N11 कॉमा सम रेंज, हमें क्या सम कराना है क्वांटिटी, क्योंकि हम रिमेनिंग क्वांटिटी देखना चाहते हैं, F4 से फिक्स कर देंगे। अब क्या करेगा, इस रेंज में से हमें कीबोर्ड का क्वांटिटी को सम करके ही देगा, सिर्फ कीबोर्ड का। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो देखिए आपको कीबोर्ड में जीरो शो हो रहा है। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं
तो आप देख सकते हैं कि आपको डेस्क में 50 शो हो रहा है. 50 क्यों शो हो रहा है, यहां शो होना चाहिए 40, बट 50 से शो हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक सेल को माइनस नहीं करवाया, हमने जस्ट यहां परचेस क्वांटिटी को ऐड किया. देखिए 20, 30, 50 होता है. हम यहां जाएंगे, उसके बाद यह फॉर्मूला बार में जाएंगे, माइनस हम यहां लगाएंगे सम फिर से, क्योंकि हमें इस रेंज में से यहां से सेल्स वाले से हमें कीबोर्ड का जो सेल क्वांटिटी है उसे जोड़कर हमें इससे माइनस कराना होगा. ओके, तो देखिए इस रेंज में से हम चाहते हैं कि कीबोर्ड को आप निकालिए कॉमा, इसे कीबोर्ड को कॉमा क्वांटिटी को माइनस कराना है. F4 से फिक्स कर, देखिए माइनस का साइन मैंने लगाया है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर. तो आप देखिए जीरो शो हो रहा है, पर आप देखिएगा डेस्कटॉप में डेस्क में आपको अभी शो होगा कितना 40. तो आप देख सकते हैं 40 हमें शो हो रहा है. 40 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसमें से वो डेस्क को ढूंढा, डेस्क के क्वांटिटी को ऐड किया, तो 50 निकला. उसके बाद देखिए यहां से उसने डेस्क के टोटल सेल यूनिट्स को माइनस कर दिया उस 50 से, तो हमें यहाँ 40 शो हो रहा है. हेडफोन में 20, क्योंकि देखिए हेडफोन हमने 50 पीस हमने परचेस किया था, इसमें हमने सेल किया 30. मान लीजिए लास्ट एंट्री पे आकर मैं करता हूं कि हेडफोन मैंने फिर से सेल परचेस किया, सॉरी मैं लास्ट एंट्री पे आके करता हूं कि मैंने हेडफोन सेल कर दिया, जरूरी नहीं है कि सेम एरो में रो में है. ठीक है, मान लीजिए देखिए हेडफोन मैंने यहां सेल कर देता हूं, मान लीजिए मैं 5 पीस करके दिखाता हूं, कितनी पीस करके 550 करके. तो आप देखिए आपको यहां 15 पीस दिखा रहा है, क्यों, 20 में से 50 में से हमने 30 पहले बेच दिया, उसके बाद हमने 5 आगे बेचा, तो 15 पीस ही बचा. तो इस तरह हमारा आंसर सही दिखा रहा है. ओके, चलिए हम प्रॉफिट और लॉस में जाते हैं. अब प्रॉफिट और लॉस क्या है, प्रॉफिट और लॉस में हमें ये जानना है कि हमने प्रॉफिट और लॉस हम किस तरह पता करते हैं. हमारा जो इनकम होता है हम उससे अगर हमारा इन्वेस्ट माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है. तो हम क्या करेंगे, जितना हमने सेल किया उससे अगर हम परचेस की वैल्यू को लेस करते हैं तो हमारा इनकम प्रॉफिट पता चलेगा या लॉस पता चलेगा. तो हम क्या करना चाहते हैं, कीबोर्ड का अलग, माउस का अलग, डेस्क का अलग, सभी प्रोडक्ट का अलग चाहते हैं. तो हम यहां लगाएंगे इज इक्वल टू फिर से सम इफ, इज इक्वल टू सम इफ रेंज. इस बार हम परचेस को नहीं लेंगे क्योंकि हम सेल से परचेस को माइनस करेंगे. हम क्या करते हैं, प्रॉफिट से यानी कि हमारा इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो सेल से हमारा इनकम होता है, तो हम सेल वाले रेंज को लेंगे. पहले हम चाहते हैं इसमें से F4 फिक्स करेंगे हम लोग, कॉमा कीबोर्ड का आप टोटल सेल को जोड़िए, F4 से फिक्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो देखिए कीबोर्ड का जीरो दिखा रहा है क्योंकि कीबोर्ड हमने सेल अभी तक किया ही नहीं. उसके बाद यहां जाएंगे और बोलेंगे माइनस कर दीजिए आप सम इफ, इस रेंज में से आप कीबोर्ड ढूंढिए कॉमा क्राइटेरिया कॉमा, उसके बाद देखिए कीबोर्ड के अमाउंट को आप माइनस कर दीजिए, F4 से फिक्स कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर. तो देखिए कीबोर्ड नहीं है इसलिए हमें जीरो शो हो रहा है, हम इसे ड्रैग कर देंगे. तो आप देख सकते हैं कि आपको जो शो हो रहा है वो 275,000 रुपए शो हो रहा है, कि डेस्कटॉप में आपका जो माइनस हुआ है यानी कि लॉस हुआ है वो हुआ है 275,000 रुपए का. देखिए हमने डेस्कटॉप कितना परचेस किया था, 140,000 रुपए का. ओके, उसके बाद हमने यहां हमने डेस्कटॉप परचेस किया था 1,40,000 का एक बार, और एक बार हमने परचेस किया 2,10,000 का. तो चलिए मैं यहां मैनुअली आपको दिखाता हूं करके, ये प्लस ये, तो टोटल हमने परचेस कितना किया, 3,50,000 रुपए का एक्सपेंसेस किया हमने. और हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमने कमाया देखिए 75,000. तो अगर मैं इनकम से माइनस करता हूं हमारे इन्वेस्टमेंट को, तो आप देखिए 2,75,000 हमें माइनस में सो रहा है, यानी कि हम अभी लॉस में हैं. ओके, हमने 3,50,000 रुपए का इन्वेस्ट किया डेस्कटॉप में, बट हमने अभी तक सेल किया 75,000 रुपए का, तो अभी भी हम 2,75,000 रुपए का लॉस में. ओके, हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉस हो वो हमें माइनस में शो हो और हमें रेड कलर में शो. तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसे लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन जाएंगे होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन, अगर ये जीरो से कम होता है तो हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट रेड टेक्स्ट में आ जाए. तो आप देख सकते हैं आपको माइनस में शो हो रहा है, जो आपका लॉस है वो आपको माइनस में शो हो रहा है. ओके, चलिए मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूं. मान लीजिए सेम डेट में मैंने
परचेस किया सॉफ्टवेयर 3 क्वांटिटी 600 रुपीज करके, तो 6,000 का हुआ। अब मान लीजिए यहां आकर मैंने उसे सेल कर दिया सॉफ्टवेयर को 8 क्वांटिटी मैंने सेल किया 700 रुपीज करके, तो आप देख सकते हैं आप कि आपको अभी भी लॉस है, क्योंकि देखिए मैंने 6,000 का खरीदा था बट मैंने अभी तक सेल किया 5,600 रुपए का, इसलिए 400 रुपए का लॉस दिखा रहा है। मान लीजिए मैं 1,000 रुपीज करके अगर सेल करता हूं तो आप देखिए आपको दिखा रहा है कि 6,000 रुपए आपने खरीदा था, आपने 8,000 रुपए में बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ कितना 2,000 रुपए का। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं अमाउंट में। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो रिमेनिंग यूनिट है स्टॉक है, हर प्रोडक्ट का हमें अमाउंट शो, वैल्यू शो कि वो स्टॉक का क्या वैल्यू। ओके तो ऐसे कंडीशन में हम फिर से यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूले का, इज इक्वल टू सम इफ रेंज, सॉरी अमाउंट में हम यूज करेंगे विलुकअप का। अब विलुकअप का हम यूज क्यों करेंगे ये हम समझते हैं। अगर मान लीजिए इज इक्वल टू हम ये करते हैं कि रिमेनिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर क्वांटिटी, तो देखिए आपको जीरो शो हो रहा है क्योंकि कीबोर्ड में तो है ही नहीं। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो देखिए आपको यहाँ 14,000 शो हो रहा है कि सॉफ्टवेयर का रिमेनिंग क्वांटिटी का प्राइस है 14,000। ओके अगर मैं एडिट करता हूं तो आप देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर में उसने जो मल्टीप्लाई किया है वो 7,000 से किया, जबकि सॉफ्टवेयर का प्राइस 600 रुपीज है, उसको तो यहां से लेना चाहिए 600 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इस रिमेनिंग क्वांटिटी को। तो इस तरह हम अगर इजिकल लगा के मैनुअली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम यूज करेंगे विलुकअप फॉर्मूले को। चलिए हम लगा के आपको सिखाते हैं इजिकल टू विलुकअप। हम क्या चाहते हैं कि हमारा इस रेंज में से जो डेस्क का जो प्राइस पर क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दे रिमेनिंग क्वांटिटी से। तो हमें तो यहां से ढूंढना होगा कि डेस्क का ही आप हमें प्राइस पर क्वांटिटी निकाल के दीजिए। ओके तो विलुकअप हमारा लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू कीबोर्ड कॉमा टेबल एरिया में यहां से यहां तक लेंगे क्योंकि हमें निकालना है प्राइस, तो F4 से फिक्स कर देंगे कॉमा हमें निकालना है प्राइस थर्ड कॉलम में कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एन एंटर। तो आप देखिए एन ए दिखा रहा है क्योंकि उससे कीबोर्ड मिला ही नहीं अभी तक। तो अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको डेस्क का यहां 7,000 दिख रहा है, देखिए डेस्क का 7,000 है, सॉफ्टवेयर का 6,000 है। ओके चलिए अब हमें इस आंसर को मल्टीप्लाई कराना है मल्टीपल यानी कि रिमेनिंग क्वांटिटी से। तो यहां हम जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी से इंटरप्रेस करेंगे, उसके बाद अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा है कि आपका जो डेस्क का जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका जो वैल्यू है वो है 280,000 रुपए। मैं फॉर्मेट सेल में जाके इसे चेंज कर देता हूं। ओके तो देखिए 280,000 रुपए 40 क्वांटिटी हमारे पास बचा हुआ है और डेस्क का प्राइस क्या है 7,000 रुपीज। अगर मैं करता हूं इजिकल टू मल्टीप्लाई बाय 7,000 तो देखिए 280,000 रुपए आपको शो हो रहा है, तो हमारे सही है। ओके बट यहां हमें एनए शो हो रहा है, अभी हम एनए को किस तरह रिमूव करें, तो इसके लिए हम फर्स्ट सेल में जाएंगे और यहां हम लगाएंगे इजिकल टू इफ एरर कॉमा लास्ट में आएंगे कॉमा और हम चाहते हैं वैल्यू अगर ये फॉल्स हो तो हमें जीरो शो हो जाए ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। उसके बाद अगर हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको अब एनए शो नहीं हो रहा है। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लास्ट ऑप्शन जो है कि अलर्ट, हम अलर्ट किस तरह क्रिएट करें कि अगर हमारा क्वांटिटी रिमेनिंग क्वांटिटी 10 से कम हो तो हमें यहाँ अलर्ट शो होना चाहिए, अगर 10 से ज्यादा हो तो स्टॉक वैल्यू शो होना चाहिए। ओके तो हम यहां लगाएंगे इफ का फंक्शन इज इक्वल टू इफ इफ दिस सेल इज लेस देन दिस सेल देन हमें चाहिए क्या, अगर लेस देन होता है तो हमें चाहिए ट्रू में प्लेस ऑर्डर आ जाना चाहिए। ओके कॉमा अगर नहीं होता है तो हमें चाहिए स्टॉक अवेलेबल शॉर्ट में लिखते हैं देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं स्टॉक प्लेस ऑर्डर बोल रहा है, अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां स्टॉक अवेलेबल में शो रहा है क्योंकि 40 से ज्यादा है 10 से ज्यादा यहां भी स्टॉक अवेलेबल है, बट हम चाहते हैं जो प्लेस ऑर्डर हो वो रेड कलर से हो जाए और जो स्टॉक अवेलेबल है वो ब्लू कलर से हो जाए। तो इसके हम सेलेक्ट करेंगे देन हम जाएंगे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स यहां जाएंगे उसके बाद हम यहां लिखेंगे ओके हम यहां लिखेंगे ये सेल, उसके बाद हम इसका
टू टाइम F4 प्रेस करके इसके कॉलम को लॉक कर देंगे. इज इक्वल टू, अगर प्लेस ऑर्डर होता है तो हमें चाहिए, तो फॉर्मेट में जाके हमें चाहिए रेड कलर होना चाहिए और फॉन्ट इसका हो जाना चाहिए व्हाइट और बोल्ड में. ओके देन ओके. तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अवेलेबल को छोड़ के सभी जो है वो रेड कलर में है, बट हम चाहते हैं स्टॉक अवेलेबल ब्लू और व्हाइट से शो, तो हम फिर सेलेक्ट करेंगे. देन हम जाएंगे होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन, और यहां जाएंगे हम बोलेंगे ये सेल F4 से इसके कॉलम को लॉक करेंगे, रो को लॉक नहीं करेंगे. इक्वल टू, अगर स्टॉक अवेलेबल रहता है ओके, तो हमें चाहिए ब्लू कलर, फॉन्ट चाहिए बोल्ड, कलर चाहिए व्हाइट, देन ओके देन ओके. तो आप देख सकते हैं कि आपका यहां शो हो रहा है ब्लू कलर से. मान लीजिए मैं यहां हेडफोन, मान लीजिए मैंने यहां फिर से एक चीज परचेस कर ली सेम डेट में, मान लीजिए मैंने परचेस किया माउस 300 क्वांटिटी 200 रुपीस करके, और मैंने सेल कर दिया यहां जाकर सेम डेट में माउस 250 पीस ओके 350 रुपीस करके. तो आप देख सकते हैं कि माउस में आपको स्टॉक अवेलेबल शो हो रहा है, क्योंकि देखिए 50 पीस माउस अभी बचा हुआ. ओके तो इस तरह हम एक कंप्लीट ऑटोमेटिकली अपडेटेड स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं. और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां आप देख सकते हैं टोटल परचेस हमें शो हो रहा है कि हमने टोटल परचेस किया है 441,000 रुपए का. टोटल सेल हमें शो हो रहा है कि हमने टोटल सेल किया 179,750 रुपए का, और हमें टोटल क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है. तो हम क्या करेंगे इसे इक्वल टू सम और टोटल अमाउंट को यहाँ सम करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो हमें यहाँ शो हो रहा है, देखिए हमने टोटल स्टॉक है, नेट स्टॉक का हमारा वैल्यू जो है वो 298,700 का. तो इस तरह फ्रेंड्स हम एक ऑटोमेटिकली अपडेटेड स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें. इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.